सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। राइट नाउ यू आर वॉचिंग कमल रोहिला। सो गाइज, आज मैं लेके आया हूँ बहुत अलग सा व्लॉग, जिसमें आज हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ वृंदावन। तो अभी रात के 11 बजे की ट्रेन है और अभी 7 बज रखे हैं, तो अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पहुँचना है। तो मेरे बालों को ना इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप देता रहूँगा। ओके बाय। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं स्टेशन पे और इतनी भड़क हुई है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। अभी तो ट्रेन भी नहीं आई है यहाँ पे, वेट करते हैं। 11:15 की ट्रेन है, देखते हैं जब आएगी। तो गाइज, फाइनली हम पहुँच गए हैं मथुरा, और देख सकते हो आप पीछे फिर ट्रेन जा रही है। तो अभी देखते हैं हम धर्मशाला में रुकते हैं या फिर रूम वगैरह लेते हैं। अभी तो हमको वृंदावन जाना है, जो यहाँ से कुछ 13 या 14 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ का कुछ ऐसा है नज़ारा स्टेशन का, देख सकते हो आप। यहाँ पे ब्लू कलर के, इसमें ब्लू कलर की एलईडी लाइट में टाइम दिखा रखा है। नॉर्मली आपने देखा होगा स्टेशन पे रेड कलर का होता है ना, यहाँ पे देखो 1:16 हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देखो कैसे सो रहे हैं, भगवान इनको भी घर दे। तो गाइस, यहाँ पे ना एक बहुत अपना नुकसान है, जैसे आप यहाँ से कुछ भी लोगे ना तो 10-15 रुपये एक्स्ट्रा लगती है। जैसे 10 वाला पॉपकॉर्न आपको 20 रुपये का मिलता है यहाँ पे। और यहाँ की ना मैंने एक माजा ली थी, इतनी गंदी दी इन्होंने, 40 रुपये की माजा दी, बहुत गंदी। ये कैसे सो रहे हैं, इनको कितनी ठंड लग रही है, पास नहीं जा सकता मैं इनके। गाइस, यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, आप बाहर जाओगे जब देख सकते हो। और यहाँ पे भी देखो ये बैठे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरा फ़ोन छीन के ना भाग जाए। सो गाइस, अभी रूम ले लिया है और अभी टाइम हो रहा है 2-2:30 बज रखे कुछ। तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अभी मैं सोऊंगा और कल परिक्रमा वगैरह करेंगे, तो कल मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, उठने के बाद आपसे बात करता हूँ। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट। गाइस, ये है नंद द्वार, ऐसे 4 द्वार हैं यहाँ पे, भाई बता रहे हैं, और इनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं अब। तो गाइस, अभी हम दर्शन वगैरह करके आए हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, और मैं तीर्थ पे आया हूँ, घूमने नहीं आया, तो इसलिए। तो अभी आप देख सकते हो ये हिरण पार्क है जस्ट मेरे पीछे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ वहाँ पे ना कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाया वीडियो। आपको पता है मेन जगह पर कैमरा कभी भी अलाउ होता नहीं है। तो अभी गाइस मैंने ये लिया है और यहाँ पे इनको देंगे अभी देख। वहाँ पे आप देख रहे होगे कितना बड़ा हाथी है, ये देखो। ये देखो बिल्कुल मेरे पीछे कितना प्यारा हाथी है, वाओ। गाइस, अभी आप पे ना यहाँ पे सब डांस करते हैं, देख सकते हो आप। तो गाइज, अब मैं आ गया हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी खेलते थे जब वो छोटे थे। तो ये देखो यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पे मट्टी भी है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने मट्टी खाई थी और उनके मुंह में ब्रह्मांड वगैरह जो भी दिखा था, दिखाऊंगा मैं आपको वो भी जगह। तो अभी ये बैठे हमारे बाल गोपाल जी,
मट्टी में अभी दिखाता हूँ मैं, बैठे मट्टी में यहाँ पे खेलते थे ना। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, सभी खेलते हैं यहाँ पे। वहाँ पे देखो कहानी वगैरह सुन रहे हैं।
सो गाइस दिस इज अ आर्ट गैलरी जो भी है राम सॉरी वैष्णो माता देवी का मंदिर जो ये बनाया है, ये ऐसे करके बनाया है, देख सकते हो आप। ये आर्किटेक्ट वगैरह कंसल्ट कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा हुआ था इनका, देख सकते हो आप। देखो ये लिखा हुआ है गाइस, डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ माँ वैष्णो देवी मूर्ति एंड हनुमान मूर्ति, हनुमान जी मूर्ति। तो यही है गाइस, आप कभी आओ मथुरा आओ और अच्छे से एक्सप्लोर करके जाओ। देख सकते हो आप ये शेर का पंजा, ये मुंह, ये गधा, ये माता जी का पैर, और ये भी गधा देख सकते हो आप। और ये आर्ट गैलरी तो बड़ी प्यारी बना रखी है इन्होंने, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ माँ वैष्णो देवी मंदिर, और यहाँ पे ये देख सकते हो आप ये एरियल व्यू ऑफ माँ वैष्णो देवी कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि सबसे मेन है, वो मैं अभी दिखाता हूँ। 1 2 3 देख सकते हो आप माता जी। तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आप पार्ट 2 में देखना।